राजस्थान में मतदान प्रतिशत 75 पार हुआ है। जी हाँ, ये एक और अच्छी खबर राजस्थान से यहाँ पर सामने आई मतदान को लेकर। सीईओ आपको बता दें कि यहाँ पर प्रवीण गुप्ता, सीईओ प्रवीण गुप्ता ने ये लक्ष्य जो है वो हासिल किया है। मिशन 75 लेकर चल रहे थे और राजस्थान में कुल 75.08% मतदान हुआ है। निर्वाचन विभाग ने ये आंकड़ा जारी किया है। तो देखिए, जो लक्ष्य यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से लेकर चला जा रहा था वो लक्ष्य हमने हासिल कर लिया है। और इसको लेकर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी भरत राज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भरत, 75% का हम लक्ष्य लेकर चल रहे थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और वो आंकड़ा भी हमने पार कर लिया है। देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान के लिए बड़ी उपलब्धि है। राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 75% का जो लक्ष्य था वो निर्वाचन विभाग ने हासिल कर दिया है। और पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए यहाँ पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता शुरुआत से मिशन 75 लेकर चल रहे थे, क्योंकि पिछली बार जो पोलिंग हुई थी वो 74 मतदान प्रतिशत था। वो चाह रहे थे कि इस बार मतदान प्रतिशत बढ़े और 75 का आंकड़ा अपन पार करें। इसी को लेकर लगातार स्वीप एक्टिविटीज बढ़ाई गई थी और उस लक्ष्य को पार पाने में सीईओ प्रवीण गुप्ता सफल रहे हैं और मतदान का जो आंकड़ा है वो 75 पार कर गया है। और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें अभी भी अपडेट हो रहा है, लेकिन अब तक जो अपडेट हुआ आंकड़ा उसके अनुसार 75.0% है, जो 11% है वो आंकड़ा निर्वाचन विभाग ने हासिल कर लिया है। और अब राजस्थान में जो नया ट्रेंड है वो 75% का हो गया और ये एक रिकॉर्ड स्तर पर मतदान प्रतिशत हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल भारत, ये एक रिकॉर्ड मतदान इस बार हुआ है। साथ ही कीर्तिमान राजस्थान ने रचा है यहाँ पर इस रिकॉर्ड के साथ, इस प्रतिशत के साथ। अच्छा भारत, जैसा कि आप बता रहे हैं आंकड़े अभी और ज्यादा चेंज होते नजर आ रहे, क्या इसके बाद भी और आंकड़े चेंज होते नजर आएंगे? देखिए, अभी अपडेशन का कार्य निर्वाचन विभाग के स्तर पर चल रहा है, क्योंकि कल पोलिंग पार्टियों ने अपनी ईवीएम जमा करवाई है, उसके बाद में ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनकी रिपोर्ट इलेक्शन डिपार्टमेंट में जाती है, वो अपना ईवीएम जब जमा करवाते हैं उसके बाद में वो मिलान किया जाता है, तो उसमें जो कुछ कमियां रहती है उसको दुरुस्त किया जाता है और उसके बाद में फाइनल आंकड़ा निर्वाचन विभाग की ओर से जारी किया जाता है। तो अब फाइनल आंकड़ा अभी कुछ देर बाद में निर्वाचन विभाग की ओर से ऑफिशियली जारी कर दिया जाएगा। अभी उनमें अपडेशन का कार्य चल रहा है और थोड़ी देर बाद में, लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान में बड़ा अचीवमेंट निर्वाचन विभाग ने हासिल किया और राजस्थान में जो जनता है उसने बढ़ चढ़ कर निर्वाचन की प्रक्रिया में, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और रिकॉर्ड तोड़ राजस्थान में मतदान किया है। बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान की जनता ने पूरी जागरूकता के साथ इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। भरत, इसके साथ ही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से ये आंकड़े जो है बढ़ते नजर आ रहे हैं, जो लक्ष्य रखा गया था उसको भी हमने पार कर लिया है, क्या इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से जितने नवाचार किए गए थे वो सभी सफल कारगर हुए हैं? देखिए, निश्चित रूप से इलेक्शन डिपार्टमेंट ने जो लक्ष्य लेकर चल रहे थे उसके लिए तमाम जो संगठन थे उनको जागरूक किया गया था। निर्वाचन विभाग ने मतदान के दिन छुट्टी करने के आदेश दिए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो कामगार हैं, सरकारी नौकरी है, प्राइवेट कंपनी में काम कर पर मतदान करने के लिए पहुंचे और जो मतदान का जो आंकड़ा है, लक्ष्य जो लेकर चल रहे हैं वो उसको हासिल किया जा सके जी। तो और उसके लिए निर्वाचन विभाग को ये बड़ी उपलब्धि यहाँ पर हासिल हुई है, क्योंकि उन्होंने जो लक्ष्य रखा था उसको अब यहाँ पर पूरा कर लिया है। और इससे कल मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता से जब बातचीत हो रही थी तो वो भी इसको लेकर आश्वस्त नजर आ रहे थे, क्योंकि उस समय अपडेशन का कार्य चल रहा था और माना जा रहा था कि ये लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया जाएगा। और वोटिंग ट्रेंड की बात की जाए तो राजस्थान में जयपुर में पहली बार रात को देर रात तक 9-10 बजे तक कई बूथ ऐसे थे जहां पर मतदान प्रक्रिया वहां पर चलती रही और ये जयपुर में पहली बार हुआ कि देर रात तक मतदाता मतदान करने के लिए वहां पर लाइनों में लग रहे थे और मतदान कर रहे थे। जी बिल्कुल भरत, अगर अभी तक के आंकड़ों की बात की जाए, अभी तक के जो परसेंटेज सामने आए हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज वोटिंग के कहां से सामने आए हैं ये बता पाएंगे? देखिए, सबसे ज्यादा जो वोटिंग परसेंटेज है वो पोखरण में वहां पर हुआ है और उसके बाद में जो बात की जाए तो जयपुर में भी इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है जिले में वो बड़ा है। तो राजस्थान में कई
पोखरण जो विधानसभा सीट है वहां पर मतदान प्रतिशत बढ़ा है और रिकॉर्ड तोड़ वहां पर मतदान हुआ है। इसके साथ ही बात की जाए अन्य जिलों में तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर प्रवासियों की वजह से पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन फिर भी जो निर्वाचन विभाग है उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया है और जो एक टारगेट वो लेकर चल रहे थे कि इस लोकतंत्र के महापौर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल किया जाए, लोग मतदान करने पहुंचे, घरों से बाहर निकले, तो एक जो नया टारगेट राजस्थान में सेटवार वो आसानी से यहाँ पर उन्होंने पूरा किया जाए। अजमेर की बात की जाए तो 72.81% यहाँ पर मतदान हुआ, अलवर में 74.56% मतदान हुआ है, बांसवाड़ा में 83% मतदान हुआ है, इसके साथ ही बारा में 79.94% मतदान हुआ और भरतपुर में 71.80% मतदान हुआ। तो इस तरीके से देखा जाए तो जिलेवार भी मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है और लोगों ने बढ़ चढ़ कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। बिल्कुल, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों को जागरूक करने के लिए जिस तरीके से कोशिशें यहां पर की गई, जो अभियान चलेगा जरा उनके बारे में बताएं, किस तरीके के अभियान जो है युवाओं को जागरूक करने के लिए किया गया, खासतौर पर जो फर्स्ट वोटर्स थे, फर्स्ट टाइम वोटर्स, उनके लिए किस तरीके के जो अभियान है यहाँ पर चलाए गए थे। देखिए युवाओं को सबसे ज्यादा, क्योंकि इस बार बड़ी संख्या में युवाओं ने मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया, उनके नाम जोड़े गए हैं और लगातार निर्वाचन विभाग की ओर से नाम जोड़ने के लिए लगातार अभियान चलाए गए। कॉलेजों में वो गए, वहाँ पर शिविर लगे, स्वीप एक्टिविटियाँ आयोजित की गई और उनके लिए रैली आयोजित की गई, तो तमाम जो निर्वाचन विभाग के प्रयास थे उनका फल ये रहा कि जो मतदान के लिए लोग, युवा हो, महिला हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, और इस बार जो नवाचार किए गए थे उसमें होम वोटिंग भी बहुत ज्यादा हुई है, घर से लोगों ने वोट किया, जो दिव्यांग थे, बुजुर्ग थे, जो 80 प्लस थे मतदाता, उन्होंने होम वोटिंग का फायदा लिया और वो उनको बीएलओ घर घर पहुंचकर उनका मतदान करवाया, तो वो भी इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हुए और उसका परिणाम ये रहा कि यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है और जो लक्ष्य था उसको यहाँ पर पार पाया गया है। जी बिल्कुल भरतराज, हमने देखा कि किस तरीके से महिलाओं के लिए बूथ अलग से बनाए गए थे, यूथ के लिए बूथ अलग से बनाए गए थे, जो दिव्यांगजन है उन्हें तक जो मतदान दल है उसमें शामिल किए गए थे। इसके साथ ही होम वोटिंग की, जैसा कि आपने जिक्र किया, होम वोटिंग का जो विकल्प इस बार दिया गया, पहली बार ऐसा हुआ था, होम वोटिंग से कितने परसेंटेज इसमें से सामने आया? अभी तक का आंकड़ा जो अपडेट हो रहा है 75.11% हो चुका है, अब तो इसमें से होम वोटिंग का आंकड़ा कितना है? देखिए होम वोटिंग की बात की जाए तो 80 साल प्लस के जो बुजुर्ग मतदाता थे और दिव्यांग मतदाता थे, इसके साथ ही पोस्टल बैलेट जो सर्विस वोटर्स होते हैं उनके भी मतदान पोस्टल बैलेट के जरिए हुआ था, तो उनकी पहले वोटिंग हो गई थी और उनका आंकड़ा लगभग 4 लाख के करीब था। उसमें से टोटल पोलिंग परसेंटेज में उनको आंकड़ा देखा जाए परसेंटेज के हिसाब से तो 0.83% जो मतदान है वो होम वोटिंग के जरिए यहाँ पर किया गया है। ऐसे कुल मिलाकर मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो 0.83 जो परसेंट है वो उन बुजुर्ग, दिव्यांग और पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान का था और कुल मिलाकर अभी तक यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ठीक है, सीधे मतदान केंद्र तक जो बिल्कुल बिल्कुल भारत, तो कल तक जहां पर जी राजस्थान अपील कर रहा था राजस्थान की जनता से कि वोट डालो, और अब जी राजस्थान कह रहा है राजस्थान की जनता को वेल डन राजस्थान, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रतिशत जो है वो हमने अचीव किया है 75।